हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल तापमान की काफ़ी चर्चा हो रही है। कारण स्पष्ट है, तापमान की कई प्रकार से भूमिका होती है। किसी भी प्रदेश में किसी भी स्थान पर जलवायु दशाओं के निर्धारण में उसकी भूमिका होती है, पर्यावरणीय दशाओं के निर्धारण में उसकी भूमिका होती है। जो भी वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम के संचालन में उसकी भूमिका होती है। यहाँ तक कि जितने भी प्रकार के भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाशीलताएँ हैं, इन सारी फिजिकल और केमिकल जो भी कंडीशंस हैं, इनका रेगुलेशन टेम्परेचर के माध्यम से होता है। और यही कारण है कि तापमान एक काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाता है हमारे इस पूरे क्षोभ मंडल में, हमारे लिथोस्फीयर पर, हमारे हाइड्रोस्फीयर पर, यहाँ तक कि हमारे क्रायोस्फीयर पर, और पूरे स्थानिक स्तर से प्रादेशिक स्तर होते हुए पूरे वैश्विक स्तर पर तापमान की इतनी प्रभावशीलता के कारण ही हम कोई भी टॉपिक हो, आजकल पर्यावरण से संबंधित कोई भी विषय हो, उसमें हम लोग बार बार ताप की बात करते हैं, वहाँ पर तापमान की बात करते हैं। और इसीलिए आज हमने इस पूरे शीर्षक को, जो टॉपिक आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो टॉपिक रखा गया है, उसमें हमने टॉपिक रखा है पृथ्वी सतह के तापमान का नियंत्रण, यानी कंट्रोल्स ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं मेजर कॉजेज फॉर द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर ओवर द अर्थ, यानी पृथ्वी के संपूर्ण भाग में एक जैसा तापमान नहीं होता। स्थानिक स्तर पर उसके वितरण में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, यानी अलग अलग तापमान होता है। एक ही समय में पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएं, या किसी एक ही अक्षांश रेखा पर, किसी एक ही जोन में, यानी किसी एक ही लैटिट्यूडनल जोन में भी अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही अगर हम जाएं, तो तापमान में अंतर मिलता है। और तापमान में अंतर मिलता है इसलिए वहाँ का, जहाँ जहाँ तापमान में अंतर मिलते जाएगा, वहाँ पर उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस वेरी करती जाएंगी। और इसीलिए हम लोग आज इस पूरे शीर्षक के अंतर्गत तापमान को पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे और कार्य कारण अंतर संबंधों के साथ पढ़ेंगे। मीन्स तापमान को हम यहाँ तीन हेड्स में पढ़ेंगे, तीन हेड्स में इसको, यानी तीन उपशीर्षकों में इसको हमने विभाजित किया हुआ है। पहले भाग में पढ़ेंगे तापमान जनन प्रक्रिया द्वारा तापमान नियंत्रित करने वाले कारक, यानी हम यहाँ पर उसके सोर्स रीजन पर ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्थान पर तापमान का जो निर्माण होता है, तो उस निर्माण की प्रक्रिया में कौन से ऐसे कारक हैं जो उस पूरी प्रक्रिया का ही संचालन करते हैं और वहीं पर तापमान में अंतर हो जाता है, यानी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिव थ्रू टेम्परेचर जेनरेशन प्रोसेस। तापमान जनन प्रक्रिया के माध्यम से तापमान को कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि जो भी तापमान बन जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऊष्मा से तापमान का निर्माण होता है, तो जो भी तापमान का निर्माण हो जाता है, तो उस तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी उस तापमान या उस ऊष्मा को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उसको स्थानांतरित कर दिया जाए, उसका ट्रांसमिशन हो जाए, तो इसके कारण दोनों ही स्थलों पर, जहां से ऊष्मा या तापमान का वितरण किसी अन्यत्र स्थान के लिए होता है, ग्लोब के किसी और भाग के लिए होता है, तो जहां से होता है वहां पर भी ऊष्मा और तापमान की मात्रा में परिवर्तन होगा, तो वहां पर भी तापमान संबंधी दशाएं बदल जाएंगी। और जिस स्थान पर यह पूरा ट्रांसमिशन होकर जाएगा, वहां पर भी ताप और ऊष्मा के पहुंच जाने के कारण तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। और इसको हम लोग एक दूसरे शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा ऊष्मा एवं तापमान वितरण प्रक्रिया के माध्यम से तापमान नियंत्रित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिव थ्रू टेम्परेचर एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया का हम लोग विवेचन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनका स्थानांतरण करते हैं और कैसे तापमान का जो उसकी परिमाण है, उसकी मात्रा है, वो प्रभावित होती है। तीसरा सेक्शन हमने बनाया हुआ है और वो सेक्शन होगा यहाँ पर वायुमंडल की भूमिका के संदर्भ में। हम लोग जानते हैं कि तापमान के निर्माण में वायुमंडल एक प्रभावी कारक निभाता है, और यहाँ पर हम पूरे इस वायुमंडल की भूमिका का पूरा विवेचन करेंगे, संपूर्ण विवेचन करेंगे, और वो विवेचन होगा वायुमंडलीय संयोजन के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। ये जो कारक है, ये शीर्षक होगा इस सब शीर्षक के अंतर्गत, यानी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिव थ्रू एटमॉस्फेयर, स्पेशली ट्रोपोस्फेरिक कंपोजिशन।
यानी क्षोभ मंडली, विशेषकर वायुमंडल के क्षोभ मंडली दशाओं में, क्षोभ मंडली कंपोजिशन में, जो भी गैसियस कंपोजिशन है इसमें जो कुछ भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, तो जो भी इसमें कंपोजिशनल चेंज आएगा उस कंपोजिशनल चेंज का प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके पहले शीर्षक को। पहला शीर्षक है तापमान प्रक्रिया का, यानी ताप जनन प्रक्रिया के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने वाले कारण। इसके अंतर्गत चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोर्स रीजन पर ही, यानी जिससे उष्मा से जब तापमान बनता है तो इसमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावी होकर और तापमान को, उसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। और इसमें चार प्रकार के कारक हैं। पहला कारक है लैटिट्यूड अक्षांश, दूसरा कारक होगा लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्थल और जल का वितरण, तीसरा कारक होगा एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, किसी भी स्थान की ऊंचाई, और जो चौथा कारक है वो है क्लाउड कवर यानी मेघाच्छादन। ये चारों कारक उष्मा और तापमान के निर्माण प्रक्रिया को ही प्रभावित कर देते हैं और इसी के कारण तापमान किसी स्थानिक स्तर पर अलग हो जाता है, किसी दूसरे स्थान पर अलग हो जाता है। अब दूसरे सेक्शन में, यानी तापमान, उष्मा एवं तापमान वितरण प्रक्रिया के माध्यम से तापमान को कौन से कारक हैं, कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें तीन प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं। उसमें पहला फैक्टर है ओशियानिक करेंट्स यानी महासागरीय धाराएं। ये कारक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का या तापमान का स्थानांतरण करते हैं और इसके माध्यम से तापमान परिवर्तित होता है स्थानिक स्तर पर। तो महासागरीय धाराएं, ये होगा पहला कारक। और दूसरा कारक होगा प्रिवेलिंग विंड्स यानी प्रवाही पवन, जो भी पवन होती है, पवन भी एक प्रमुख यहां से उष्मा का और तापमान का वितरण करने वाली एक प्रभावी माध्यम बन जाती है, तो इनके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा फैक्टर्स होता है लैंडफॉर्म वेरियस, ये प्रवाही पवन के संदर्भ में ही प्रभावी होती है, क्योंकि जब प्रवाही पवन यानी पवन जब गतिशील होती है तो उस गतिशीलता में अवरोधक रूप में उपस्थित होकर, जैसे पर्वत के रूप में उपस्थित हो गया, कोई लैंडफॉर्म हो गया, तो उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी पर्वत के एक पार एक तरफ दूसरे प्रकार का तापमान होगा और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार का तापमान होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम अब आपको बता दें कि जो तीसरा शीर्षक है वायुमंडलीय संयोजन के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिव थ्रू एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये जो कारक होगा ये कैसे प्रभावी होता है, इस पर हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर दें। यहां पर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, वायुमंडलीय संयोजन, ये रेडिएटिव या रेडिएटिव फोर्सिंग के माध्यम से तापमान को प्रभावित करता है। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है हम जब इसको डिस्कस करेंगे अभी तो हम आपको बताएंगे। और रेडिएटिव फोर्सिंग ये निर्धारित किससे होता है, क्योंकि रेडिएटिव फोर्सिंग तो तापमान को प्रभावित करेगा, लेकिन रेडिएटिव फोर्सिंग किससे निर्धारित होता है, ये होता है एयर बॉर्न फ्रैक्शन के द्वारा। एयर बॉर्न फ्रैक्शन क्या होता है ये भी हम अभी डिटेल में आपके सामने करेंगे। तो आइए अब हम पूरे इस संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में, यानी तापमान के जो भी वितरण के प्रक्रिया के स्तर पर या उनके वितरण के स्तर पर या तापमान में उष्मा के ऊपर से नीचे, वायुमंडल से सतह की तरफ, एक्सचेंज के स्तर पर, विनिमय के स्तर पर, जो भी प्रभावी कारक हैं, इन सभी प्रभावी कारकों का विश्लेषण यहां पर हम एक विस्तार के साथ और पूरे गहराई के साथ इसकी गहन विश्लेषण इसकी अब हम लोग करते हैं। हम लोग पहले कारक को लेते हैं। पहला जो फैक्टर है जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो पहला फैक्टर है ताप जनन प्रक्रिया द्वारा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। ताप जनन प्रक्रिया, जैसे कि बिल्कुल इस हेडिंग से ही आपको स्पष्ट है, यहां हम पूरा फोकस करेंगे कि कैसे, कौन से ऐसे कारक हैं जो जब उष्मा प्राप्त करते हैं तो उष्मा प्राप्त करते समय ही, या तो उष्मा प्राप्त करते समय ही जो भी उष्मा मिलती है उस उष्मा की गहनता को प्रभावित कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि उष्मा की गहनता ही तापमान होती है। अगर हमें हाई इंटेंसिटी के साथ एनर्जी मिलेगी तो हाई टेम्परेचर जनरेशन होगा, अगर सारी बातें समान रही तो। तो या तो उष्मा रिसीव करने के समय ही उष्मा का ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं प्रभावी रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण उष्मा की इंटेंसिटी प्रभावित हो जाती है और तापमान प्रभावित हो जाता है। या दूसरे ऐसे कारक होंगे
जो प्राप्त ऊष्मा के द्वारा कितना तापमान बनाना है, यानी ऊष्मा से प्रति इकाई ऊष्मा प्राप्त करने के बाद कितना तापमान बनेगा, ये पदार्थों की अपनी विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो ये दोनों ही कारक, और तीसरा जो भी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, हमें पता है कि सर्वाधिक जो सबसे बड़ा सोर्स होगा ऊष्मा का, वो ऊष्मा का सबसे प्रबल सोर्स जो हमें जिससे तापमान पृथ्वी पर बनता है, हमको पता है कि ये सबसे ज्यादा सबसे प्रबल सोर्स कौन है, सूर्य है। सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है वही ऊष्मा हमारे तापमान का कारण बनती है, और इसलिए यहां पर सूर्य से हमें जितनी भी ऊष्मा प्राप्त होती है, हमारे संपूर्ण वार्षिक आवश्यकता का 99.97% ऊष्मा जो होती है, जो ताप बनता है, उसकी जरूरत हमें सूर्य से प्राप्त होती है, यानी वो जो जरूरत सूर्य पूरा करता है, ये वार्षिक आवश्यकता का 99.97% भाग। इसका मतलब कि जो भी हमारा सोर्स रीजन है, सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, तो यहीं पर इसी सोर्स रीजन पर कौन से ऐसे कारक प्रभावी हो जाते हैं जिसके कारण तापमान अलग अलग हो जाता है, पूरे ग्लोब पर समान नहीं होता। और इसमें हम लोग जिनका विश्लेषण करने वाले हैं, जो कारक हैं, उन कारकों में मैंने पहले आपको बताया कि यहां ताप जनन प्रक्रिया में, ताप जनन प्रक्रिया द्वारा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों में चार कारकों की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यही वो चार कारक हैं, जिनमें पहला मैंने आपसे बताया था अभी कि उसमें होता है लैटीट्यूड, दूसरा होता है लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, और चौथा होता है क्लाउड कवर। अब इसमें हम पहले शीर्षक को लेते हैं, लैटीट्यूड को। इसकी प्रभाविता पृथ्वी की ज्यामिति और गतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो भी संबंध है, पृथ्वी सूर्य के बीच दो प्रकार का संबंध होता है, एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है, यानी पृथ्वी की आकृति होगी, पृथ्वी का झुकाव होगा अपने अक्ष पर, और दूसरा ये पूरी अपने जो भी पृथ्वी की आकृति है और जो भी पृथ्वी का एक्सियल टिल्टिंग है यानी अक्षीय झुकाव है, इसके साथ साथ इसमें पृथ्वी रोटेशन भी आता है उसमें गतिक विशेषताओं में, और रोटेशन के साथ साथ ये रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में ये घूमती है। और इसी बात को हमने यहां पर आपके सामने रखा है कि जो भी इसका डायनेमिक और जो भी इसका ज्योमेट्रिकल जो कैरेक्टर है, ये ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर किस प्रकार से प्रभावी होता है, और प्रभावी होता है तो कैसे ये तापमान ऊष्मा के माध्यम से तापमान को प्रभावित करता है, इसी को हम यहां पर विशेष रूप से समझेंगे। और मैंने आपको बताया कि लैटीट्यूड्स, अक्षांश यानी अक्षांश जो भी प्रभावी भूमिका निभाता है, तो इसकी प्रभाविता पृथ्वी की ज्यामिति और गतिक विशेषताओं द्वारा ही निर्धारित होती है, अन्यथा अक्षांश की कोई वैल्यू ना होती। और यही कारण है कि यहां पर हम इस पूरे को दो भागों में बांटेंगे। पहला, अक्षांश की प्रभावशीलता को निर्धारित कौन करता है, तो पहला फैक्टर है शेप ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आकृति, यह अक्षांश के माध्यम से प्रभावी होती है। एक्चुअल में मेन फैक्टर तो हो गया सोर्स, इसका जो प्राथमिक कारक हो गया, प्राइमरी कारक हो गया या प्राइमरी फैक्टर हो गया, वो हो गया शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन ये प्रभावी किसके थ्रू हो रही है, अक्षांश के थ्रू हो रही है, ये अक्षांश के माध्यम से प्रभावी होती है। यह पृथ्वी पर आपतन कोण के को निर्धारित करती है, यानी जो भी पृथ्वी की आकृति है उस आकृति के कारण पृथ्वी पर सूर्य की आने वाली किरणों का जो भी कोण बनता है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, तो ये आपतन कोण एक जैसा नहीं होता, बल्कि विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक लगातार इस आपतन कोण में परिवर्तन होते जाता है। एक ही समय में सूर्य की स्थिति जहां भी होगी, इक्वेटर के सामने हो, चाहे इक्वेटर से नॉर्थ में, नॉर्थवार्ड साइड में, कहीं भी हो, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक यानी कर्क रेखा तक, और इक्वेटर से लेकर फिर साउथ में डायरेक्ट इसके साथ 100% जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ होता है। तो जहां भी इनके बीच में सूर्य की स्थिति हो, इन स्थितियों पर जो प्रभावी भूमिका निभाता है वो आपतन कोण, और आपतन कोण के माध्यम से कैसे ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो तापमान में परिवर्तन होगा। और यहां पर हम इसी को शेप ऑफ द अर्थ के माध्यम से हम इसको डिटेल आपके सामने करेंगे, यह अक्षांश के माध्यम से प्रभावित होता है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से इसको हम समझें। जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है, इक्वेटर पर होती है, तो इक्वेटर पर
अधिकतम 90 डिग्री से लेकर और 66.5 यानी 66.5 डिग्री तक सूर्य के किरणों का आपतन कोण होता है। आपतन कोण किस प्रकार से संबंधित होता है, पहले ही मैंने आपको बताया, आपतन कोण जितना अधिक होगा यानी हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सूर्य की किरणें जितनी अधिक होंगी, 90 डिग्री मैक्सिमम उनकी हो सकती है, तो जब सूर्य की किरणें 90 डिग्री होंगी मैक्सिमम होंगी, ऐसी स्थिति में पर यूनिट एरिया जो रिसीविंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो अधिक हो जाएगी, यानी ऊष्मा अधिक हो जाएगी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, तो तापमान अधिक होगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंट से लेकर और मिनिमम 66.5 यानी 66.5 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंट तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य इक्वेटर से नॉर्थवर्ड साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ यानी कर्क रेखा की ओर होता है, तो यहां पर 90 से विषुवत रेखा पर ये पूरा एंगल घटते घटते और 66.5 हो जाता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो जाता है। पुनः जब वापसी होती है सूर्य की विषुवत रेखा की तरफ, क्योंकि वापसी जब वहां पर होगी तो वापसी के समय फिर से इसकी किरणें बढ़ने लगेंगी, इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वेटर पर, और ये बढ़ते बढ़ते फिर से ये 90 हो जाता है। और पुनः जब साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाना शुरू हो जाता है, सूर्य की शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पुनः 90 से ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है, घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते ये पुनः 66.5 डिग्री के एंगल तक आ जाता है। इस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये वेरिएशन होता है 90 to 66.5 तक, यानी 90 से अधिक नहीं होना है और 66.5 से कम नहीं होना है इक्वेटर पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण। और आपतन कोण अधिक होगा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊष्मा अधिक होगी, और यदि ऊष्मा अधिक हो गई तो तापमान, यदि बाकी दशाएं सपोर्ट करे तो तापमान अधिक बनेगा। दूसरी बात हम करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की। यहां पर भी हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वेरिएशन होता है, यानी सूर्य के किरणों के आपतन कोण का जो परिवर्तन होता है ये कितना होता है, तो दोनों ही रेखाओं पर, विषुवत रेखा से उत्तर में कर्क रेखा और विषुवत रेखा से दक्षिण में मकर रेखा, यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच दोनों का एंगल मैक्सिमम जब होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर परिस्थिति होती है 21 जून को, सूर्य की सीधी स्थिति होती है और उस समय 90 डिग्री इसकी स्थिति हो जाती है, और जब इसकी 90 डिग्री होती है तो उसी समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिनिमम होती है और उस समय उसकी हो जाती है 43 डिग्री। तो इस प्रकार से पुनः जब सूर्य की स्थिति ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है मैक्सिमम, तो उस समय 90 होता है कैप्रिकॉर्न पे, और उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो जाता है मिनिमम, और उस समय मिनिमम यहां पर 43 हो जाता है। तो दोनों ही अक्षांश रेखाएं हैं, ये विशिष्ट अक्षांश रेखाएं हैं, और इन दोनों रेखाओं पर जो सूर्य के किरणों का आपतन कोण होता है ये वेरी करता है 90 और 43 के बीच में, यानी 90 और 43 के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल पर। आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण वेरिएशन होता है 47 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल पर, आर्कटिक सर्किल पर जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की स्थिति होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य की किरणें सीधी होती है 90 डिग्री के एंगल से, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो उस समय आर्कटिक सर्किल पर होता है 47 डिग्री मैक्सिमम, वो इसी समय होता है और वो होता है 47 डिग्री यानी 47 डिग्री का आपतन कोण होता है। और इसी प्रकार जब ये 47 डिग्री यहां आर्कटिक सर्किल पर हो रहा होता है, उसी समय साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल पर, अंटार्कटिक वृत्त पर, उस समय सूर्य प्रकाश की ऊष्मा का यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस समय 0 होता है, शून्य होता है। अब वहां शून्य हो गया, यहां 47 हो गया, तो इतना बड़ा अंतर हो गया। यही स्थिति रिवर्स हो जाती है जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, साउथ हेमिस्फीयर में होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के समय यानी 22 दिसंबर को जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली इंक्लाइंड होगा यानी सीधा चमकेगा, 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 47 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और उसी समय सेम टाइम पे उस समय नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल पर 0 डिग्री हो जाएगा।
तो दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में एक साइकिल यानी एक वर्ष में ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस पूरे परिवर्तन में मैक्सिमम 47 और मिनिमम 0 हो रहा है आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही सर्किल पर। नॉर्थ और साउथ पोल की ही भी यही स्थिति होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह मैक्सिमम एनर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और वो होता है 23.5 डिग्री। जैसे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होगी तो उस समय नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी पोल पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम कोण होगा वो 23.5 डिग्री होगा। अपने आप ये बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन पोल का मैक्सिमम उसी समय होता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम ही है, ये बहुत ज्यादा नहीं है बाकी के कंपेयर में। अगर हम जो बात कर रहे थे 43 की 47 की या 90 की, तो तापमान उसी अनुपात में यहां पर बनेगा। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री होता है नॉर्थ पोल पे। और ठीक वही कंडीशन रिवर्स कंडीशन हो जाती है जब साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की स्थिति होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं अब कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की स्थिति हो जाती है, वर्टिकल इंक्लाइंड करता है। उस समय अब साउथ पोल पे जो स्थिति होती है वो 23.5 हो जाती है। उस समय आपतन कोण हो जाता है सूर्य की किरणों का पोल पे साउथ पोल पे और उसी समय सेम यहां पर 0 होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भी सूर्य के किरणों का आपतन कोण है ये आपतन कोण कैसे परिवर्तित होता है और चूंकि आपतन कोण के साथ सीधे प्रत्यक्षतः ऊष्मा की प्रति इकाई क्षेत्र पर मिलने वाली जो उसकी मात्रा है वो संबंधित है, इसलिए आपतन कोण के परिवर्तन के कारण यानी आपतन कोण के परिवर्तन के द्वारा यहां पर ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, ऊष्मा में परिवर्तन के द्वारा तापमान में परिवर्तन होता है। तो यहां पर तापमान जो बन रहा है इसी भूमिका के रूप में ये सारे फैक्टर्स तापमान को बनाने के रूप में ही यहां पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। और अब हम दूसरी बात करते हैं, एक्सियल टिल्टिंग एंड ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी वर्तमान समय में 23 डिग्री और 30 मिनट यानी लगभग 23.5 डिग्री का ये एक झुकाव इसका बना हुआ है। हालांकि ये इस झुकाव में परिवर्तन होता है लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी झुकाव का कोण है, जितनी एक्सियल टिल्टिंग है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, इस अक्षीय झुकाव की भूमिका तापमान पर किस प्रकार की है। एक्सियल टिल्टिंग अकेले प्रभावी नहीं होता, एक्सियल टिल्टिंग को प्रभावी बनाता है इसका ऑर्बिटल मोशन। जैसे अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जो भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अक्षीय झुकाव इस समय वर्तमान समय में 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री के कारण जो भी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है ये स्थानिक स्तर पर हेमिस्फेरिक लेवल पर अलग अलग हो जाती है। लेकिन ये प्रभावी कैसे होता है, इसका प्रभाव ये अकेले इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम वार्षिक संदर्भों में देखें तो ये वार्षिक संदर्भों में इफेक्टिव होता है ऑर्बिटल मोशन के द्वारा, ऑर्बिटल मूवमेंट के द्वारा। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी मूव करती है और अपने ऑर्बिट पे मूव करती है और इसी मूवमेंट के साथ एक्सियल टिल्टिंग इफेक्टिव होता है स्थानिक स्तर पर। यहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में जो भी ऊष्मा की मात्रा होगी, जो भी तापमान होगा, ये अंतर होता है जिसको हम लोग जानते भी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसके कारण यहां पर जो टेम्पोरल वेरिएशन होता है उस टेम्पोरल वेरिएशन में सीजन्स बनते हैं और इस सीजन्स के रूप में हर सीजन्स का अपना अपना टेम्परेचर होता है क्योंकि प्रत्येक सीजन की अपनी अपनी हीट इंटेंसिटी होती है जो अलग अलग एंगल से प्राप्त होती है। तो उस रूप में यहां पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि ये जो भी एक्सियल टिल्टिंग है, ऑर्बिटल मोमेंट है, ये दोनों एक प्रकार से संयुक्त रूप से यह पूरे तापमान को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है इसको हम दो रूपों में समझेंगे। ये दो रूपों में सतह समय के साथ सूर्यातप की गहनता को निर्धारित करता है। इट कंट्रोल्स द इंसोलेशनल इंटेंसिटी थ्रू टाइम इन टू वेज। पहला होता है बाय द चेंज ऑफ एंगल इंसिडेंस ऑन ए लैटिट्यूड थ्रू टाइम। पहला तो ये होता है कि एक ही अक्षांश पर समय के साथ पूरे वर्ष भर में इनके कारण पूरे वर्ष भर में जो आपतन कोण है वो परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तित होती रहती है तो जो भी उसका वार्षिक औसत होगा वो वार्षिक औसत वो समय के साथ बदलते जाएगा
और इस प्रकार उसका पूरा जो एनुअल कंडीशन जिसको हम लोग क्लाइमेट वगैरह के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट में हम टेम्परेचर के एनुअल एवरेज की ही बात करते हैं वहां पर अन्य कारकों के साथ, तो वो अलग हो जाएगा। तो एक हो गया बाय द चेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन लैटिट्यूड्स थ्रू टाइम, और इस रूप में ये पूरा का पूरा एक्सियल टिल्टिंग और ऑर्बिटल मोमेंट अर्थ का प्रभावी होता है। और इसमें किसी अक्षांश पर समय के साथ आपतन कोण किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको हम अगर अपने चार्ट से, बगल में आपके साथ यहाँ चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पर इक्वनॉक्स के समय 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन उसी समय जब ये समर सोल्स्टाइस होता है तो समर सोल्स्टाइस के समय ये एंगल ऑफ यानी इक्वनॉक्स में इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और उसी समय जब ये 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है तब हम देख रहे हैं कि समर सोल्स्टाइस के समय ये 66.5 हो जा रहा है, विंटर सोल्स्टाइस के समय ये पुनः 66.5 हो जा रहा है। यानी समर और विंटर सोल्स्टाइस के समय ये भिन्न भिन्न आपतन कोण हो रहा है इक्वेटर पर ही, विषुवत रेखा वही है लेकिन विषुवत रेखा पर यह भिन्नता आ रही है 90 डिग्री इक्विनॉक्स के समय, लेकिन जब समर सोल्स्टाइस हो रहा है यानी ग्रीष्म आयनांत की स्थिति हो रही है जो जिसको हम 21 जून की स्थिति को कहते हैं, तो 21 जून की स्थिति हो रही है तो वो हो जा रहा है 66.5 डिग्री। जब विंटर सोल्स्टाइस हो रहा है यानी 22 दिसंबर की स्थिति होती है और सूर्य साउथ में चला गया होता है तो उस समय हो जाती है 66.5 डिग्री। तो ये जो अंतर आ रहा है 92 66.5 ये अंतर इक्वेटर पर किसके वजह से आ रहा है, तो ये अंतर आ रहा है एक्सियल टिल्टिंग और ऑर्बिटल मूवमेंट के कारण हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक प्रधान लैटिट्यूड हो गया, अगर हम वहां देखेंगे तो इक्विनॉक्स के समय यहां पर 66.5 डिग्री के कोण से सूर्य की किरण प्राप्त हो रही है, और जब समर सोल्स्टाइस हो रहा है तो उस समय 90 डिग्री हो जा रही है, और इसी प्रकार जब विंटर सोल्स्टाइस होता है तो उस समय यहां पर घट के और 43 डिग्री हो रही है। तो ये जो एक परिवर्तन आ रहा है इस परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी कारक यही हो गया, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है इसके लिए उत्तरदायी कारक हो गया एक्सियल टिल्टिंग एंड ऑर्बिटल मूवमेंट। सेम हम यहां देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ही भांति हम देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी अंतर आ रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या अंतर आ रहा है, 66.5 डिग्री हो जाता है इक्विनॉक्स के समय, यानी वसंत विषु और जो भी शरद विषु है ये दोनों विषु की स्थितियां इक्विनॉक्स कहलाती हैं। 21 मार्च को वसंत विषु होता है, वर्नल इक्विनॉक्स होता है, और ऑटम इक्विनॉक्स होता है वो शरद विषु को होता है जो 23 सितंबर को होता है। तो इन दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि ये परिवर्तन कितने से कितने तक हो रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो रहा है इक्विनॉक्स के समय 66.5, समर सोल्स्टाइस के समय हो रहा है यानी जब 21 जून को जब सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा पर तो उस समय हो जा रहा है 43, और विंटर सोल्स्टाइस के समय हो जा रहा है 90। तो ये वेरिएशन मकर रेखा पर भी हो रही है और इसका भी वजह यही कारक है। आर्कटिक सर्किल पर 23.5 होती है इक्विनॉक्स के समय, समर सोल्स्टाइस के समय हो जा रही है 47 डिग्री और 0 हो जाती है विंटर सोल्स्टाइस पर। तो मैक्सिमम 47 डिग्री, मिनिमम 0 डिग्री और इक्विनॉक्स के समय ये इक्विनॉक्स पर जो हम देख रहे हैं इक्विनॉक्स के समय में आर्कटिक सर्किल पर 23.5 डिग्री हो रही है, ये पूरा का पूरा वेरिएशन इन्हीं सब कारकों से निर्धारित हो रहा है। अंटार्कटिक पर भी वही स्थिति है, इक्विनॉक्स के समय 23.5 डिग्री, समर सोल्स्टाइस के समय 0, विंटर सोल्स्टाइस के समय 47 डिग्री। नॉर्थ और साउथ पोल पर भी यही स्थितियां हैं, नॉर्थ पोल पे इक्विनॉक्स के समय 0, समर सोल्स्टाइस के समय 23.5 और विंटर सोल्स्टाइस के समय पुनः 0 हो जाता है। तो ये वेरिएशन यहां पर आ रहा है, साउथ पोल पर इक्विनॉक्स के समय 0, समर सोल्स्टाइस के समय 0 डिग्री और विंटर सोल्स्टाइस के समय बढ़कर ये 23.5 डिग्री हो जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इन सारे परिवर्तनों को हम लोग यहां समझ सकते हैं, और ये किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के थ्रू आ रहा है, ये सारी चीजें चेंज हो जा रही हैं, और ये जो चेंज हो रही है समय के साथ ये जो बदल रही हैं तो इनके बदलने के साथ ऊष्मा की गहनता प्रभावित होगी यानी मात्रा परिवर्तित होगी, गहनता प्रभावित होगी और उसका प्रभाव तापमान के निर्माण प्रक्रिया पर पड़ेगा, क्योंकि जितनी ऊष्मा मिलेगी उसी ऊष्मा से पुनः तापमान का निर्माण होना है। अब इनको हम इस मॉडल के थ्रू हम डिटेल में समझते हैं। हम इक्विनॉक्स के समय की बात करते हैं,
इक्विनॉक्स के समय, ये इक्विनॉक्स की स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। 21 मार्च वाले इक्विनॉक्स को हम लोग बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे, और जो 23 सितंबर की स्थिति होती है ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स को हम लोग कहते हैं बसंत विषु, और ऑटम इक्विनॉक्स को हम लोग कहते हैं शरद विषु। और इन दोनों ही विषुओं की स्थितियों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और इस 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस होने के कारण, यानी सूर्य के किरणों का आपतन कोण होने के कारण, प्रति इकाई सतह क्षेत्र पर ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, और ऊष्मा की गहनता ज्यादा होती है, इसलिए तापमान अधिक हो जाता है। ये इक्वेटर की कंडीशन हो गई। जब इक्विनॉक्स पे इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, उसी समय सेम पृथ्वी के आकृति के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उस समय 66 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और उसी समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी इतना ही होता है, 66 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आपतन कोण कम हो जाने के कारण यहां पर विषुवत रेखा की तुलना में हम 66 और 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही कर्क और मकर रेखाओं पर कम ऊष्मा गहनता यहां पर प्राप्त होती है, तो तापमान की स्थिति यहां पर, यानी ऊष्मा कम होगी, तो अगर बाकी दशाएं इसको कोई ज्यादा इफेक्टिव ना हो तो यहां पर तापमान कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा से सीधे तापमान किस प्रकार से संबंधित होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊष्मा की मात्रा बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ ही जाएगा, बल्कि तापमान कैसे बढ़ता है, किन कारणों से बढ़ता है, ये हम अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं, और भी उसके लिए फैक्टर्स होते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्थिति आपने देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्थिति आपने देख लिया कि इक्विनॉक्स के समय ही 66.5 डिग्री की स्थिति यहां पर होती है। आर्कटिक सर्किल, उस समय आर्कटिक सर्किल पर इक्विनॉक्स के समय में 23.5 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर हो रहा है। अंटार्कटिक सर्किल पर उतना ही हो रहा है, 23.5 डिग्री, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही सर्किल पर एक बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है। अगर सरफेस से संबंधित या एटमॉस्फेयर से संबंधित बाकी सारी दशाएं एक समान होंगी तो तापमान यहां पर एक जैसा बनना चाहिए, लेकिन अगर बाकी कारक जो बनाने वाले कारक हैं उनमें अगर किसी प्रकार की भिन्नता होगी तो तापमान में भी अंतर आ सकता है, लेकिन ऊष्मा की गहनता प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक समान हो रही है। इसी समय इक्विनॉक्स के समय नॉर्थ और साउथ दोनों पोल तक लाइट जाती है, लेकिन नॉर्थ पोल और दोनों साउथ पोल दोनों ही पोल पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो जीरो वहां पर हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी पूरे ग्लोब पर उस दिन लाइट तो जा रही है, मैक्सिमम लाइट की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण हो रहा है वो इक्वेटर पर हो रहा है, और सबसे कम कहां हो रहा है, तो दोनों ध्रुवों पर हो रहा है। ये इक्विनॉक्स की स्थिति हो गई। अब हम दूसरी स्थिति को लेते हैं और मॉडल के थ्रू इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। समर सोल्स्टाइस, यानी समर सोल्स्टाइस हम उसको बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत इसको हिंदी में कहेंगे, और ग्रीष्म अयनांत तब होता है जब सूर्य की स्थिति वर्टिकली ये कर्क रेखा पर जाकर इंक्लाइंड होता है, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से पड़ती हैं। 21 जून को यह स्थिति होती है, और 21 जून के समय, इस समय समर सोल्स्टाइस की दशा में इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस समय लीडिंग पोजीशन हो जाती है, सबसे ज्यादा उसी समय एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही होता है, उस समय 90 डिग्री का होता है, और यही कारण है कि उस समय यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रति इकाई क्षेत्रफल उस क्षेत्र पर ऊष्मा की प्राप्ति होगी, तो तापमान भी उस समय अधिक होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री हो गया तो कैप्रिकॉर्न पे उसी समय मिनिमम होता है, और कैप्रिकॉर्न पे इस समय 43 डिग्री हो जाता है। आर्कटिक सर्किल पर इस समय, चूंकि नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल होगा, सूर्य की स्थिति नॉर्थ में है, इसलिए यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तुलना में आर्कटिक सर्किल पर ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और वो हो जाता है 47 डिग्री। अंटार्कटिक सर्किल पर इस समय जीरो हो जाता है, क्योंकि वो साउथ में है, इसलिए वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है। नॉर्थ पोल पे सूर्य की स्थिति उत्तर में होने के कारण इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होती है, और वो होती है 23.5 डिग्री। नॉर्थ पोल का मैक्सिमम होगा और वो होगा 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री।
साउथ पोल पर बिल्कुल रिवर्स कंडीशन हो जाता है, क्योंकि साउथ में सूर्य है नहीं, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, इसलिए साउथ पोल पर इस समय जीरो हो जाती है एनर्जी, उसके पास कोई उस समय लाइट उस समय नहीं मिल रही होती है। एक्चुअल में उस समय पूरा का पूरा वो जो लगभग 186 और 179 डेज का जो डे नाइट होता है नॉर्थ और साउथ पोल में, तो उस समय नाइट वाली सीजन वहां पर, नाइट वाली स्थिति वहां पर होती है साउथ में, और साउथ पोल पे इस समय जीरो हो जाती है लाइट। अब हम तीसरे मॉडल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो विंटर सोल्स्टिस की स्थिति में क्या होता है, कितनी ऊष्मा मिलती है और क्या उस ऊष्मा की गहनता होगी, और फिर तापमान पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है तापमान के निर्माण पर। विंटर सोल्स्टाइस हम 22 दिसंबर की स्थिति को बोलते हैं। विंटर सोल्स्टाइस के समय इसको हम बोलते हैं 22 दिसंबर की स्थिति में, 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली इंक्लाइंड करता है, यानी सीधी उसकी किरणें पड़ती हैं 90 डिग्री के कोण से, और ये विंटर सोल्स्टाइस की स्थिति में इक्वेटर पर उस समय चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमक रही हैं, वर्टिकली इंक्लाइंड हो रही हैं, इसलिए उस समय 66.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री इक्वेटर पर स्थिति होती है, 66.5 डिग्री इक्वेटर पर स्थिति होती है सूर्य की किरणों के का कोण होता है। जो आप देख रहे थे कि जो इक्विनॉक्स के समय से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस समय मिनिमम हो जाएगा पुनः, और इसी समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से 47 डिग्री दूर हो जाएगा, क्योंकि वहां से 23.5 डिग्री इक्वेटर दूर हुआ, और इक्वेटर से पुनः नॉर्थ की तरफ जब बढ़ेंगे तो 23.5 और ज्यादा नॉर्थ हमें जाना पड़ेगा, और इसके कारण होगा क्या कि यहां पर 47 डिग्री का पूरा चेंज आ जाएगा, और इसी के कारण यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस समय कैंसर की मिनिमम स्थिति यानी मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, और वो हो जाती है 43 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही इस समय वर्टिकली इंक्लाइंड हो रहा है सूर्य विंटर सोल्स्टिस के समय, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर ही सीधी चमक रही है, इसलिए मकर रेखा पर उस समय 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यदि बाकी दशाएं इसको सपोर्ट करें तो चूंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक इस समय या अधिकतम मैक्सिमम इस समय वो सूर्यातप प्राप्त हो रही है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो तापमान भी इस समय बहुत अधिक यहां पर बन सकता है। इसी समय आर्कटिक सर्किल पर जीरो डिग्री हो जाता है, क्योंकि आर्कटिक सर्किल उत्तरी गोलार्ध में है, और इसी समय जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि आर्कटिक सर्किल जहां पर इस समय सूर्य की स्थिति है वहां से अगर हम देखेंगे तो लगभग 90 डिग्री दूर है वहां से, इसलिए वहां जीरो हो जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंटार्कटिक सर्किल पर इस समय 47 हो जाता है, और इसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति होती है, नॉर्थ पोल पे जीरो डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, और साउथ पोल चूंकि साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य है इसलिए साउथ पोल पर इसी समय मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होती है, और वो होती है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो ये तीनों मॉडल में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अक्षांशीय स्थितियों का प्रभाव, अक्षांशों पर ऊष्मा की गहनता का प्रभाव कैसे पड़ता है, और ये जितने वेरिएशन हम लोगों ने दिए इस सारी वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सारे कंट्रोल हो रहे हैं जिस रूप में हो रहे हैं वो एक्सियल टिल्टिंग और ऑर्बिटल मूवमेंट के संयुक्त प्रभाव के रूप में हो रहे हैं, और यहां पर पृथ्वी पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग समय में अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी का एक दूसरा प्रभाव होता है, जो भी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, और इस अक्षीय झुकाव का प्रभाव यहां पर केवल ऑर्बिटल मूवमेंट के रूप में जो पड़ रहा है, तो उसमें हमने आपसे बात किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है समय के साथ, एक तो इस रूप में पड़ा जिसकी डिटेल स्टडी अभी हम लोगों ने किया, और दूसरा पड़ता है, और वो पड़ता है विशेष उसमें भूमिका निभाने वाला जो कारक है वो सबसे ज्यादा कारक है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और ऑर्बिटल शेप यानी कक्षीय आकृति। पृथ्वी की जो आकृति है वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, बल्कि उसका एक जो अंडाकार उसकी आकृति है, और इसमें इस पूरे पैराबोलिक जो शेप बना हुआ है इस अंडाकार आकृति के कारण जब ये सूर्य की परिक्रमा करती है, जब ये रिवॉल्व करती है, तो इस स्थिति के कारण सूर्य और पृथ्वी के दूरियों में परिवर्तन होता है,
जैसे कि हमें पता है, अभी हम लोग शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि जो भी हमारा एनर्जी का सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स हमारा सन है, और हमें सन से जो भी एनर्जी मिल रही है रेडिएशन के फॉर्म में मिल रही है, तो जितना हम सोर्स के नजदीक होंगे उतनी ही हमारी इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, और जितना हम दूर हो जाएंगे उतनी ही एनर्जी कम मिल जाएगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम मिल जाएगी। यही प्रभाव यहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच इस ऑर्बिटल शेप के माध्यम से पड़ता है, और ये इफेक्टिव होता है इसके दूरी में परिवर्तन के कारण। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में जो दूरी होती है ये इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि इस परिवर्तन में लगभग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आ जाता है, 5 मिलियन किलोमीटर का इसमें अंतर आ जाता है। जो स्थितियां बनती हैं वो दो स्थितियां आपको मालूम होगा कि पहली स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, और वो जो मैक्सिमम होती है तो उसमें 4 जुलाई की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी 152 मिलियन यानी 152 मिलियन किलोमीटर की स्थिति की दूरी पर स्थिति होती है। ये उसकी फॉरेस्ट पोजीशन होती है यानी दूरस्थ स्थिति इसी समय होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी टोटल ओवरऑल बहुत दूर हो जाने के कारण मिनिमम एंगल ऑफ इंटेंसिटी के साथ पूरे पृथ्वी को प्राप्त हो रही है इस समय ऊर्जा। लेकिन इसी समय सेम पीरियड में जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड होता है सूर्य की तरफ, इसलिए इसमें साउथ पोल को कंपैरेटिवली लो इंटेंसिटी के साथ या लो अमाउंट प्राप्त होता है एनर्जी का, लेकिन नॉर्थ पोल को ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करेंगे तो पूरे पृथ्वी को इस समय कम एनर्जी प्राप्त होगी क्योंकि पृथ्वी 50 लाख किलोमीटर या 5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। अगली स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक हो जाती है, और वो स्थिति होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी की इस स्थिति को पेरिहेलियन कहा जाता है, यानी अफेलियन और पेरिहेलियन। अफेलियन को हिंदी में कहा जाता है अपसौर, और पेरिहेलियन को हिंदी में कहा जाता है उपसौर। और इस समय पृथ्वी 152 किलोमीटर से घटकर इसकी जो दूरी हो जाती है सूर्य के साथ वो 50 लाख किलोमीटर कम हो जाती है, 5 मिलियन किलोमीटर कम हो जाती है, और लगभग हो जाती है 147 मिलियन किलोमीटर। 3 जनवरी को स्थिति हो रही है। दिसंबर में ही, अभी 22 दिसंबर को ही हमने बताया आपसे कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री के एंगल से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा था, और वर्टिकली इंक्लाइंड कर रही थी यानी लंबवत तो उसकी सूर्य की किरणें यहां पर चमक रही थी। उससे बहुत ज्यादा नजदीक ये है, ये दूरी 3 जनवरी, तो सूर्य की लगभग दूरी स्थिति वही बनी हुई है। और इस स्थिति में सूर्य के नजदीक स्थिति होने के बावजूद भी जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल अपोजिट इससे इंक्लाइंड किया हुआ होता है, जबकि साउथ पोल इससे काफी करीब होता है। और साउथ पोल के करीब होने के कारण भी और पृथ्वी और सूर्य के नजदीक स्थिति होने के कारण भी दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पहला तो पूरी तरह से पूरी पृथ्वी सूर्य से 50 लाख किलोमीटर नजदीक है, इसका प्रभाव यह होता है कि इस समय इसको ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। अगर हम दोनों प्रकार से देखें तो नॉर्थ जो अभी एफेलिन की स्थिति थी, पेरिहेलियन में आने पर टोटल जो भी एनर्जी है 7% एनर्जी इसको ज्यादा रिसीव हो रही है टोटल ओवरऑल अर्थ को, क्योंकि पूरी पृथ्वी नजदीक है। लेकिन इस स्थिति में भी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अपोजिट डायरेक्शन में है और साउथ पोल इसको फेस कर रहा है, यानी साउथ पोल इसको काफी साउथ पोल की स्थिति इस समय सबसे नजदीक होती है सूर्य से, और इसलिए इस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा नॉर्थ हेमिस्फीयर को न मिलकर साउथ हेमिस्फीयर को मिलती है, हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ भी मिलती है। तो यहां ऊर्जा की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, और ये केवल पृथ्वी के झुकाव के कारण उसमें हेमिस्फेरिक डिफरेंस मिलता है यानी गोलार्धी अंतर मिलता है, बाकी सब सारी चीजें यहां पर टोटल पृथ्वी के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा यहां पर प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अक्षांश कितना प्रभावी भूमिका निभाता है, और कई ऐसे फैक्टर्स हैं लैटिट्यूड्स के प्रभावशीलता को कम या ज्यादा करने वाले यानी परिवर्तन डालने वाले, और उन परिवर्तनों का प्रभाव पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग समय में हम देख रहे थे कि तापमान ऊष्मा के रूप में पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव तापमान के रूप में पड़ता है, और इस तरह से अक्षांश एक प्रभावी भूमिका निभाता है।